हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पांच साइन के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि स्वयं साक्षात परमात्मा आपके साथ है। जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगे, जब आपकी प्रवृत्ति जिज्ञासु होने लगे, आप बहुत कुछ पढ़ना, जानना, इस सृष्टि के बारे में जानना, नेचर के बारे में जानना, खुद को जानना, इन चीज़ों के बारे में जब आप समझने लगे, आत्मिक खुशी के बारे में जानना, अपनी चेतना के बारे में जानना, जब आप इस प्रकार से जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, सब कुछ जानने का प्रयास जब आप करने लग जाते हैं और ये सब जानकर आप बहुत जिज्ञासु और एक महान इंसान बन जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, ये बहुत बड़ा संकेत है। आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को जब पाने की कोशिश में लगे रहते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर आपसे ये सब कार्य करवा रहे हैं, कोई परम शक्ति आपका साथ दे रही है। साइन नंबर टू, जब आपको जीवन में बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, जब आपके जीवन में आपको बार बार कष्ट दिए जाते हैं, जब आपके जीवन में आपको बार बार तोड़ा जाता है, बार बार आपको तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि आप सोचते हैं कि बस मैं मर ही जाऊं तो ही अच्छा है, जब इस प्रकार से आपके विचार आने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक दिव्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको उठाती है, आपको सहारा देती है और आपके भीतर एक परमानंद अपने आप आ जाता है। आप भीतर से खुश रहना शुरू कर देते हैं, आप भीतर से शांति को महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि स्वयं परमात्मा आपके साथ है। साइन नंबर तीन, अगर आप किसी चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसमें बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार आप असफल हो रहे हैं, वो असफलता पता है आपको क्यों मिल रही है? क्योंकि अभी आप उस चीज़ को लेने के लिए अंदर से भीतर से तैयार नहीं हुए हो। ये आपके आंतरिक विकास की एक यात्रा है जो ईश्वर स्वयं आपके साथ चलकर आपको करवा रहे हैं। जिस दिन सफलता आपको मिलनी तय है, लेकिन बार बार असफलता हम अगर पाते जाते हैं, पता है हम भीतर से मजबूरी तौर पर हमें असफलता मिलती है, लेकिन भीतर से हम मजबूत बन जाते हैं। और जब हम इतने मजबूत बन जाते हैं, वो कौन हमें मजबूत बनवा रहा होता है? वो स्वयं परमात्मा हमारे साथ होते हैं। साइन नंबर फोर, आपका जो चरित्र है वो साक्षात ईश्वरीय बन जाता है। आप इतने सचरित्र बन जाते हैं, आप इतने सद्गुणी बन जाते हैं कि लोगों के ऊपर आपका एक अलग सा प्रभाव पड़ता है। आप बहुत महान चरित्रवादी इंसान बन जाते हैं, आपका चरित्र बहुत ऊंचा हो जाता है। ये भी परमात्मा के साक्षात आपके साथ होने का संकेत है। साइन नंबर फाइव, जब आप अकेले ही खुश रहना पसंद करने लग जाते हैं, आपको अपने खुद का साथ बहुत प्यारा लगता है, लोगों से भी आपको ये सुनने को मिलता है ये तो अकेले ही रहकर खुश है, उसको अपने आप से ही बहुत प्यार है। जब आप ये सब करने लग जाएं, आपको अपने में ही इतना आनंद आता है, अकेले में ही आप अपने में ही मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उस समय स्वयं साक्षात आपके साथ परमात्मा होते हैं। अगर ये साइन आपके साथ सभी मैच कर रहे हैं तो यकीन माने कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, वरना आप रोज़ अखबारों में किताबों में पढ़ते हैं कि लोग अकेला हो गया, किसी ने अपने आप को अकेले कमरे में बंद करके आत्महत्या कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने अपनी नसें काट ली, है ना। लेकिन आप अकेले रहकर क्या कर रहे हैं? आप अकेले रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। कौन करवा रहा है ये सब? सब परमात्मा, वो दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है, वो दिव्य शक्ति आपसे सब कुछ करवा रही है। बस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय बाय।